लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है जब मैं उस गुफा से जिंदा निकला। दुनिया बदल चुकी है और जो हो गया सो हो गया। अब आने वाले कल का सोचो, बीते कल की हार को अब आने वाले कल की जीत बनाना है। कुछ कुछ होता है के बाद सलमान खान और करण जौहर की एक बार फिर से जोड़ी देखने को मिलेंगी साथ में। ईद पर चल रही है तगड़ी प्लानिंग। सलमान खान और करण जौहर ने साथ में बहुत ही कम काम किया है, हालांकि ये दोनों अच्छे दोस्त थे और अक्सर हमें ये रियलिटी शो में या फिर कई सारी पार्टी और इवेंट में ये दोनों एक साथ नजर आते हैं। लेकिन फिल्मों के मामले में ये दोनों की जोड़ी पर्दे पर ज्यादा नहीं आई। बता दें कि सलमान खान ने करण जौहर की सिर्फ एक ही फिल्मों में काम किया है और वो फिल्म थी कुछ कुछ होता है। ये फिल्मों में भी सलमान खान लीड रोल में नहीं थे। ये फिल्म थी शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल की। लेकिन फिल्मों में एक जबरदस्त कैमियो लेना था और ये कैमियो के लिए सलमान खान ने हाँ कर दी थी और यही वजह थी कि सलमान खान और करण जौहर ने एक साथ काम किया था। इसके बाद करण जौहर और सलमान खान साथ में कभी नहीं आए, लेकिन अब फाइनली ये डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी बनने जा रही है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, बताया जा रहा है कि सलमान खान और करण जौहर साथ में एक जबरदस्त फिल्म लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस हिलाने की ताकत रखती हो और ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो ये फिल्म का जो जॉनर है वो एक्शन थ्रिलर बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये फिल्मों में हमें जबरदस्त इमोशन और कई सारे ड्रामेटिक सीन भी देखने को मिले। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये फिल्म इनिशियल स्टेज पर है। जैसे ही करण जौहर ये फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर देंगे, वो सलमान खान को ये फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाएंगे और अगर सही रहती है तो सलमान खान और करण जौहर मिलकर ये फिल्म को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भी सलमान खान की इस साल एक तगड़ी फिल्म आने वाली है जिसका नाम है टाइगर 3। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ये फिल्म का बज अभी से ही बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है। बात करें करण जौहर की तो करण जौहर इस साल अपनी 7 फिल्में रिलीज करने वाले हैं। ये दोनों एक्टर डायरेक्टर अपनी आने वाली फिल्मों में बिजी है, लेकिन जल्द ही ये दोनों एक साथ हमें बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। ला दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने एक्साइटेड है ये जोड़ी को लेकर। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।